नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और हम बात करने जा रहे हैं रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट की, जो अय्यर का नाम बहुत तेजी से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता ही है रोहित शर्मा के बारे में खबर जो हमने आपको दी है थोड़ी देर पहले वो अच्छी नहीं है। रोहित शर्मा और साथ ही साथ ईशांत शर्मा मिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर, और इस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्विटर पर ये डिमांड चल रही है, ट्रेंड कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, और डिमांड यही हो रही है कि भाई रोहित नहीं तो अय्यर सही, अय्यर को आप रोक लीजिए। क्योंकि अय्यर टेस्ट स्क्वाड में है नहीं, लेकिन क्योंकि अय्यर T20 और वनडे में है, ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे, तो मांग ये उठ रही है कि एक प्रॉपर बढ़िया मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पे आप श्रेयस अय्यर को रोक सकते हैं। तो क्या लगता है रोहित, श्रेयस अय्यर को रोका जाएगा? और सबसे बड़ी बात की सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं है, पूरी टीम मैनेजमेंट भी यही चाहती है। मतलब कि कोच रवि शास्त्री, जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रवि शास्त्री होंगे वहां पर। इसके अलावा जो लीडरशिप ग्रुप होता है एक हर टीम का, उसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन और कुछ सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनका भी टेक लिया जाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। बैटिंग कोच, ऑब्वियसली बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच को भी आप उस सर्कल में रख सकते हैं। लीडरशिप ग्रुप के नहीं, टीम मैनेजमेंट के ग्रुप में बात कर रहा हूँ। तो उन सारी लोगों की हामी है इस तरफ को कि श्रेयस अय्यर को रखा जाना चाहिए। उनका IPL का फॉर्म बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे नेट्स में वो अच्छे टच में लग रहे हों। प्रैक्टिस गेम्स भी हमने देखा कि शुरू हुए, एक के विराट कोहली कैप्टन थे, एक के KL राहुल कैप्टन थे, तो इंटर टीम जो ये मैचेस हो रहे हैं उसमें क्या पता उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। तो फॉरेन टूर्स पे ऐसी कई चीजें देखने को मिलती है कि कोई प्लेयर अगर अच्छे टच में लग रहा हो तो फिर उन्हें जो है मौका दे दिया जाता है। जैसे मुझे इंग्लैंड का दौरा याद है, तो 2018 में हुआ था, करुण नायर नेट्स में बॉल बैट पे मिडिल पे टच नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए उन्हें 5 of 5 मैच से बाहर कर दिया गया था। मतलब उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि यार ये नेट पे ही नहीं ढंग से खेल पा रहा है तो ये मैच में कैसे खेलेगा। तो वो एक ऐसी चीजें होती है जो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है उसको लेकर के, लेकिन वो चीज श्रेयस अय्यर में दिख रही है कि वो मिडिल कर रहे होंगे अच्छा, और टीम को उन पर कॉन्फिडेंस होगा, जिस वजह से मुझे लगता है कि उन्हें रोका जा सकता है वहां पर। ओके, तो ये खबर है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? आप भी अपना कमेंट बताइए, लिखिए और बताइए कि भाई क्या आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को ही मौका मिले, या फिर कोई और खिलाड़ी आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर कोई इंडिया से भेजने की आप बात करें। जो भी हो कमेंट करके बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।